हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। और आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली यानी पीनट की टिक्की, जो खाने में बड़ी लजीज लगती है और सभी को पसंद है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद होती है। और इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर करीब ये 300 ग्राम मूंगफली यानी पीनट लिए हैं। और इसको हमने रोस्ट करके अच्छे से इसको छील लिया है। रोस्ट करने के बाद ही ये छिलती है। और अगर आप रोस्ट करी हुई मार्केट से छिली छिलाई भी लाएँ, और इनके हमने दो पार्ट कर लिए इस तरीके से, अलग अलग कर लें, आप साबुत भी बना सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग पार्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया बनेगी। और इक्वली हमने गुड़ लिया है यहाँ पे और उसे अच्छे से फोड़ लिया है, तो 300 ग्राम गुड़ और 300 ग्राम ही मूंगफली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। तो यहाँ घी मेल्ट होने के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे गुड़, और इसे अच्छे से मेल्ट होने तक करीब चलाएंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट पहले चलाएंगे शुरू में। तो यहाँ देखिए करीब 2 मिनट हो गए हैं और मेल्ट होने लगा है गुड़, और इसे हमें और चलाना है अभी, तो लगातार चलाते रहना है यहाँ पर इसको, तो जब तक चाशनी हो रही है। तो ये जो मूंगफली हमने अलग अलग करी थी, इसके अंदर होते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये काफ़ी कड़वे होते हैं, तो ये निकाल दें आप, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं। ये निकाल दिए हमने सब, और अब इधर चाशनी भी हिला लेते हैं। ये तैयार है बनके। गैस बिल्कुल लो पे करते हैं, और देखिए इसको चेक करना है, ऐसे पानी में डालना है, पानी में थोड़ा सा ठंडा करते हैं इसे। और जब ये इस तरीके से टूटने लगे तो समझ लीजिए चाशनी तैयार है। और थोड़ा सा इसे और चलाते हैं, और इसमें डाल देते हैं ये पीनट यानी मूंगफली, और गैस कर देते हैं बंद। तो अब इसको हम यहाँ परात के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और इसको फैला देते हैं। ये ग्रीस कर लें पहले आप इसको। तो ये देखिए हमने इसको फैला लिया है अच्छे से, और इसके कट लगा लेते हैं हम अभी। आप अपने मनपसंद साइज में काट सकते हैं इसे। तो हमने इसके पीसेस काटनी है। अब इसको बिल्कुल एकदम ठंडा करके पीसेस निकाल लेंगे, रखते हैं इसे साइड में ठंडा होने के लिए। तो ये हमारी पीनट की चिक्की, मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार है। इसको निकाल लेते हैं हम। तो निकालने में प्रॉब्लम करें, हल्का सा इसे गैस पे आप रख लें और फिर निकालने में। फ्रेंड्स, मुंह में पानी आया ना, तो ये बनकर तैयार है। आप भी घर पे बनाइए और खाइए और खिलाइए। तो फ्रेंड्स दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए जो बनाया है उसे खाकर खत्म।